तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CPUSI 2023 पेपर वन के एडमिट कार्ड के बारे में। तो 2023 में जो है दोस्तों, SSC CPUSI के यहां पर जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने ये लिंक देकर रखी है, तो यहाँ से जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और किस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसकी प्रोसेस भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा महत्वपूर्ण लिंक पर विजिट करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले ही आपको यहाँ पर प्रवेश पत्र का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है SSC MPR ORG का जो है पेज यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर टाइम लेता है दोस्तों, उसके बाद ये जो है पेज आपका खुल गया है। कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार का दोस्तों, मध्य प्रदेश क्षेत्र का है ये वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ से आप जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र का जो है अपना जो है प्रवेश पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो प्रकार से आप जो है अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहला जो है दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप सीधे यहाँ पर जो है आपका प्रवेश पत्र यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि आप दोस्तों बाई चांस अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हाल फिलहाल अपने साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, या फिर खो गया है किसी भी प्रकार से, तो भी आप यहां पर दोस्तों दूसरे वाले ऑप्शन का यूज़ करके यहां पर जो है अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाले ऑप्शन के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना वही नाम फिल करना है दोस्तों जो आपने अपने आवेदन में यहां पर लिखा है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर बताया गया है कि फर्स्ट 4 कैरेक्टर ही आपको लिखना है, तो भी आप यहाँ पर अपना जो है निकाल सकते हैं एडमिट कार्ड। तो दोनों केस में आप यहाँ पर जो है सिर्फ 4 कैरेक्टर डालकर ही आप यहाँ पर जो है अपना एडमिट कार्ड सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, या तो आप अपना पूरा नाम लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर अपने नाम के केवल 4 अक्षर पहले टाइप करने हैं, उसके बाद अपने पिताजी के नाम के जो हैं 4 अक्षर यहाँ पर टाइप करने हैं। उसके बाद दोस्तों अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी लगानी है दोस्तों, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो है चेकबॉक्स पर टिक करके आपको सर्च करना है। तो दोस्तों आपको सीधे तरीके से जैसा आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के निकालते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर सीधे जो है अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको दोस्तों सीधे अगर एडमिट कार्ड यहाँ पर मिल जाता है, आपकी डेट बता दी जाती है कि भाई इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, तो सीधे आप हिंदी या इंग्लिश में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा लेट है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अपने एग्ज़ाम की डेट बताई जाएगी, साथ में जो है आपका एग्ज़ाम कितनी तारीख को होगा ये बताया जाएगा, और उसके साथ साथ ये बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कितनी तारीख को यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपका कितनी तारीख को पेपर है, आपको कब अपना एडमिट कार्ड निकालना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पर जो है SSC CPU दिल्ली SI का जो है एडमिट कार्ड बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।